हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पंडे वे टू सक्सेस। आई एम योगेश वर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस पंडे एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो आपकी क्लास है वो जनरल साइंस पे रहेगी और आज का जो टॉपिक आपका केमिस्ट्री का है। ओके, तो आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे और आज इसको पूरा कर लेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, इससे पहले आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा हो चुका है। ओके, तो अगर किसी बच्चे ने उस क्लास को मिस किया तो आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सभी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, आप वहाँ से उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सभी आपके क्वेश्चन बैंक से पूरे हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक पूरा करेंगे। आज की जो आपकी क्लास है वो 46th क्लास है। अगर जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको सक्सेस पे उनको सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन भी टैप करना होगा, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ सको। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास 46th क्लास है, ओवरऑल जो क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हर बार की तरफ मैं इस बार भी कहूँगा, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आए उसका आंसर आप साथ के साथ मुझे लाइव चैट में करते रहें। ओके, उसके बाद हम जो राइट आंसर हो तो डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन अगर आपका आंसर जो आपने सबमिट किया है वो राइट है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा। अगर रॉन्ग हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन आपको एट प्रेजेंट मतलब साथ के साथ मिल रहा है, तो उससे आपका मतलब जो गलती दोबारा गलती करने के चांसेस क्या है कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप साथ के साथ अपने लाइव चैट में मुझे आंसर सबमिट करते रहें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आज की जो क्लास है वो आपकी थोड़ी सी लंबी रह सकती है, क्योंकि कोशिश करेंगे जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है वो आज की क्लास में ही पूरा कर दिया जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि रस्टिंग एज जो जंग लगना है वो क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता भी होगा, ये 7th क्लास का एक नॉर्मल सा टॉपिक है कि जो जंग लगना है वो क्या है, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटाइन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है। कैटाइन होते हैं आपके पॉजिटिव चार्जली एंड एनायंस होते हैं आपके नेगेटिवली। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन एंड जिंक आयन। ठीक है, तो इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सल्फेट आयन, क्योंकि जो भी मेटल है जो आयन फॉर्म करेंगे वो हमेशा कैटाइन्स होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर भी मेटल है एंड जिंक भी मेटल है, लेकिन सल्फेट है वो आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो जो मेटल है जो आयन्स मेटल आयन्स जो फॉर्म्ड होते हैं वो हमेशा कैटाइन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर होगा, सल्फेट आयन इनमें से कैटाइन नहीं बनाएगा। ठीक है, ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्मॉग, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, परिवर्तनशील जैविक यौगिक, सेकंड आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड एंड फोर्थ आपका क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्लोरीन ऑक्साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है आपका स्मॉग प्लस फॉग। ओके, इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं पोलन मतलब पोल्यूटेंट्स और डस्ट पार्टिकल्स। तो वॉलेटाइल नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी क्या हैं? पोल्यूटेंट और डस्ट पार्टिकल्स में आ जाते हैं। और इसके बाद जो सेकेंडरी जो कंपोनेंट होता है वो होता है सल्फर। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये इसके कंपोनेंट्स हैं किसके? स्मॉग के। लेकिन क्लोरीन ऑक्साइड का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरीन ऑक्साइड ही होगा जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कंपोनेंट नहीं है किसका? स्मॉग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ को हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के लिए किस धातु का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन आपके पास जिंक, कॉपर, आयरन और सिल्वर। ठीक है, बिजली से धातु जुड़ाने की क्रिया या फिर गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर जो धातु चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर जिंक, आयरन के ऊपर जिंक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो, आपने घरों में पाइप देखेंगे, लोहे के जो पाइप होते हैं वो पानी की फिटिंग वाले, उसमें देखा होगा कि वो लोहे के पाइप होते हैं, ऊपर एक सिल्वर कलर की उसके ऊपर कोटिंग होती है। ठीक है, वो जिंक कोटिंग होती है और उसी कोटिंग को उस लोहे के पाइप के ऊपर उस जिंक कोट को चढ़ाना ही क्या कहलाता है? आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिंक। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस, जो शुष्क बर्फ है वो क्या है? तो ऑप्शन आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सॉलिड वाटर। तो जो सूखी बर्फ है वो कॉमन नेम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, जो एक्स किरण है उसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन आपके पास डब्ल्यू सी रोडचन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर। ठीक है, तो इसकी जो खोज की थी वो की थी डब्ल्यू सी रोडचन ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक्स रे की जो खोज की गई थी वो की गई थी डब्ल्यू सी रोडचन के द्वारा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवन्थ क्वेश्चन है कि ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ऑप्शन है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। ठीक है, तो इसने कहा कि रेड लिटमस टू ब्लू। पहले तो देखो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं लिटमस पेपर के बारे में बता देता हूँ। जब रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज हो, ब्लू से बी से ब्लू, बी से बेस, तो वो होता है बेसिक नेचर में। ठीक है, अगर ब्लू टू रेड हो तो उसका अपोजिट हो जाता है, वो होता है आपका एसिडिक नेचर का। ठीक है, अब जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सभी बेसिक होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। जितने भी मेटल ऑक्साइड सभी आपके होंगे बेसिक, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे आपके एसिडिक। ठीक है, तो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सल्फर कार्बन ये सभी क्या है आपके नॉन मेटल, और ये है आपके मेटल। ठीक है, ये मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्या होगा वो आपका बेसिक होगा, और नीले मतलब लाल को नीले में कर देता तो मतलब मेटल ऑक्साइड है, और इनमें से मेटल है आपका मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर होगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल इनमें से कौन सा। तो ऑप्शन आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो सबसे हाईली कंप्रेसिबल है वो आपका गैस है। देखो, जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस, जो स्थान है, खाली स्थान, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड्स में थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैस, और सॉलिड्स में तो ये नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है, जो इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है सॉलिड में। तो सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में, क्योंकि इनके बीच वैकेंट स्पेस ज़्यादा होता है, ये आसानी से कंप्रेसिबल होती हैं। उसके बाद आता है नंबर लिक्विड का, फिर आता है सॉलिड का। तो अगर मैं बात करूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो सबसे हाईली गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, तो इसने पूछा हाईली कंप्रेसिबल, तो वो होंगी आपकी गैस, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर यहाँ तक? द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन टूवर्ड्स द अर्थ। कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास मीथेन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो पृथ्वी से कुछ गैसेज ऐसी हैं जो आपकी जो लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है उनको पहले तो एब्जॉर्ब करेंगी और फिर वापस पृथ्वी की तरफ छोड़ देती हैं। ठीक है, तो वो गैसेज होती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज, वो होती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज। और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, उसके अंदर होता है वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। ठीक है, ये सभी गैसेज मिलके क्या बनाती हैं, ग्रीन हाउस गैस। ओके, ये सभी गैसेज मिलके बनाती हैं ग्रीन हाउस गैस, और इनका काम क्या करता है, ये जो लॉन्ग इन्फ्रारेड जो रेज होती हैं, रेडिएशन होता है, वो पहले तो वो उनको पृथ्वी से, अर्थ से अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगी और फिर से उनको अर्थ की तरफ छोड़ देंगी। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना होना तो अर्थ का जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, वो -18 डिग्री सेल्सियस होता, जबकि अब कितना, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रीन हाउस गैस। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीईटी इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ डैश, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। जो पीईटी पेट है, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का खालिस्तान है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है नायलॉन, एक्रिलिक या फिर पॉलिस्टर या फिर रेयॉन। ठीक है, तो जो पीईटी है वो आपका एक तरह का पॉलिस्टर, जिसको बोतल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि बोतल बनाने के लिए जो पॉलिस्टर यूज किया जाता है उसको हम कॉमनली या फिर क्या नाम देते हैं, वो किस तरह की एक फॉर्म है, तो वो है आपकी पीईटी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो लिख दीजिए यस, अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम अभी तक आपने कोई फेस करनी पड़ी है तो आप मुझे बता सकते हो, लाइव चैट में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देखो, अगर क्लियर नहीं है और आगे के मैं क्वेश्चन कराता रहूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं फिर आपको भी। ठीक है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। अगर यहाँ तक क्लियर है तो लिख दीजिए यस, अगर नहीं है तो नो, और क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली अभी तक। चलो ठीक है, ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज हैवियर देन ऑक्सीजन, इनमें से कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन से भारी है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एंड हीलियम।
ठीक है, अगर आपको प्रेडिक्टेबल पता है तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को आसानी से टिक कर सकते हो। देखो प्रेडिक्टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रेडिक्टेबल को एक बार आप याद कर लीजिए कि कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट आ जाए, ठीक है ना, तो उसको भी आप एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए प्रेडिक्टेबल को। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से जो ऑक्सीजन से जो भारी गैस है वो है सिर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द एयर जो कि आपका PCP मतलब प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है वो आया था 1981 में, लेकिन बट वॉज अमेंडेड और उसको बाद में उसका संशोधन किया गया इन डैश एयर कौन से साल में टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, जो शोर है या फिर जो आपका ध्वनि है उसको वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया किस संशोधन में, किस वर्ष में, तो ऑप्शन है 1997 एंड ऑप्शन है आपका फोर्थ 2017, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1987। सबसे पहले 1981 में कानून आया था, ये एक अधिनियम था प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम जो कि 1981 में लागू हुआ था भारत के अंदर, लेकिन 1987 में इसके अंदर संशोधन करके जो ध्वनि प्रदूषण है उसको भी वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाने लगा, मतलब उसको जो शोर से होने वाला जो प्रदूषण है उसको वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया था 1987 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका वो यहाँ पे राइट रहेगा, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होती है और जो इसके अंदर होगा उसी का तो वो रिसाव करेगी, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का रिसाव वहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल सबसे ज़्यादा सॉलिड आपको यहाँ पे पत्थर दिख गया होगा, ठीक है, तो सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल इन चारों में से क्या है आपका, रतन जो कि रंगीन पत्थर होते हैं, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से, मतलब अगर आपकी IQ पावर ज़्यादा है तो आप सीधा टिक कर सकते हो उसको, ऑप्शन चार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे उनमें से एक आंसर ऐसा सीधे तौर पे दिख जाएगा आपको कि यही राइट है, क्योंकि देखो सॉलिड सॉल की बात कर रहा है तो वो आपका सीधे तौर पे कि पत्थर सबसे ज़्यादा सॉलिड इनमें दिख रहा है तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाइटाई डिजीज, तो इटाइटाई जो नामक बीमारी है वो फैलती है कैडमियम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका कैडमियम है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इटाइटाई नामक जो बीमारी है वो कैडमियम के द्वारा फैलती है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉन एच, जो गेनिंग है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देंगे रिडक्शन का, और लॉस करने के प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन का, लॉस है तो ऑक्सीडेशन और गेन है तो रिडक्शन, ठीक है, अगर दोनों एक साथ हैं तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर दोनों एक साथ हैं तो उसको हम नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है, ये जो आपका फोर्थ है ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर इसने बात किया गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब कोई किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो वो आपका रिडक्शन है, और अगर लूज हो कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो वो आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ बल्ब, जो बल्ब के जो फिलामेंट्स बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज किया जाता है, तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, तो आई थिंक आप सभी को पता भी होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ टंगस्टन, और क्यों किया जाता है इसी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाईली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का ही है और वो आपका 3695 केल्विन, कई बार इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो है आपकी 3695 केल्विन। ओके, एंड 273 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ, तो ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका नाइट्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा आई थिंक आप सभी को पता भी होगा, इसने कहा कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी एटमॉस्फेयर में जरूरी है, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेती है जो सूर्य से और जो पृथ्वी से जो विकृत जो ऊष्मा है मतलब जो हीट है जो रेडिएटेड हीट है उसको CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर आइसोबार्स, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, वो आपके होते हैं जिन एलिमेंट अलग अलग तो एटॉमिक नंबर हो लेकिन उनका मास नंबर
सेम हो, वही हो, आपके आइसोबार्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सीधे तौर पे दिख रहा है एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हैं, जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो इक्वल नहीं है लेकिन उनका मास क्या है इक्वल हो, तो वो सभी क्या होते हैं आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो सीधे तौर पे आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये इसका अपोजिट हो गया। एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, इन दोनों में डिफरेंट दिया इसने। फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, इसमें दोनों में सेम कर दिया, लेकिन आइसोबार्स वो होते हैं जो एटॉमिक नंबर जिनका इक्वल ना हो लेकिन उनका मास क्या हो इक्वल हो। ठीक है, ओके। तो इसके बाद इन विच ईयर डिड क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स, क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो किस वर्ष लाया गया था, तो ऑप्शन आपके पास 2004, 2005, 2006 एंड 2007। ठीक है, तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग लाया गया था, इसी वजह से लाया गया था, और जो इसका मेन मकसद था वो ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने, जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए लेके आया गया था जापान जैसे देशों की तरफ से। तो ये आया था 2005 में, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन नेचर, सबसे जो कमजोर बंध है वो कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेचर में जो सबसे कमजोर जो बॉन्ड माना जाता है वो माना जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ को हम टिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक, एसिड प्लस बेस गिव्स डैश प्लस वाटर। तो जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो उस समय आपको मिलेगा नमक और पानी। ठीक है, एसिड और बेस को अगर आप मिला देते हो, एसिड प्लस बेस क्या देते हैं आपको, वो हमेशा देंगे सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, सॉल्ट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 6 months, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डीके इन, इस तरह के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी वस्तु की अर्थ आयु 6 मास है, तो वस्तु का 3/4 हिस्सा कितने समय में अक्षय होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 12th month। ठीक है, 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो क्या है, स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, हाईली बेसिक। तो पीएच का अगर आपने बताओ तो जो 7 वैल्यू मानी जाती है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो वो आपका एसिडिक नेचर में। ठीक है, अगर 7 प्लस है तो वो आपका बेसिक होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड आपका वो होता है स्लाइटली बेसिक, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो 7.4 समथिंग होता है, तो आपका आंसर रहेगा स्लाइटली बेसिक, थोड़ा सा बेसिक होता है वो। ठीक है, 7 से थोड़ा सा ही ऊपर है तो पॉइंट में है, तो आपका स्लाइटली बेसिक यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस, इनमें से इनर्ट गैस कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस होती क्या है, वो गैसेस जिनकी रिएक्टिविटी कम हो दूसरे सब्सटेंसों के साथ, मतलब जो बाकी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करने की जो उनकी पावर है वो काफ़ी कम है, वो उनको हम नाम देते हैं इनर्ट गैसेस का। तो इनमें से ऑप्शन आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, इन सभी की जो रिएक्टिविटी जो पावर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्गन। तो इनमें से सबसे कम जो मीन्स इनर्ट गैस है जिसकी कम है पावर, वो है आपकी आर्गन गैस। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, आर्गन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओजोन इज एन खालिस्तान ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन ऑक्सीजन का एक ही खालिस्तान है। तो ऑप्शन आपके पास एलोट्रॉप, आइसोटॉप, आइसोबार या फिर आइसोटॉन। ओके, तो जो ओजोन है वो एक अप्रूप है किसका, मतलब एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, O2 से आपका बनता है ऑक्सीजन और O3 आपका होता है ओजोन। ठीक है, O3 आपका होता है ओजोन, तो ये इसका एक अप्रूप है मतलब एलोट्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए फिर से, यस क्लियर है। अगर आगे चलना है तो यस, अगर नहीं चलना तो नो। और क्यों नहीं चलना, क्या क्वेश्चन आपको अभी तक, किस क्वेश्चन ने आपको परेशान किया सबसे ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली यहाँ तक, लिख दीजिए एक बार यस और नो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और अगला क्वेश्चन आपका, प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज, ऑप्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडिएशन या फिर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन की बात की है, उसमें गेनिंग था तो रिडक्शन, लूजिंग है तो ऑक्सीडेशन, और दोनों है तो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑक्सीडेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनायंस आर फाउंड बाय, जो एनायंस हैं वो कैसे बनते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड लूजिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो एनायंस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
मतलब नेगेटिव चार्ज लेके, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो वो क्या करेंगे, एनायंस बनेंगे, अगर लूज करेंगे तो वो कैटायंस बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपका, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन, जो अम्लीय जो वर्षा है उसका मुख्य कारण इनमें से क्या है। तो ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो एसिडिक रेन का आई थिंक आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा वो प्रभाव कौन डालता है, वो डालता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ही मुख्य कारण है किसका, एसिडिक रेन का। जो अम्लीय जो वर्षा होती है उसका सबसे मेन जो रीजन है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें ऊष्मा जिसमें हीट रिलीज हो निकले, ठीक है, और जिसमें एब्जॉर्ब हो वो होती है आपकी एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक जिसमें रिलीज हो, देखो एक्जिट पढ़ा होगा ना अपने, मतलब निकलना वाला, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक मतलब जिसमें थर्म जहाँ पे यूज हो वहाँ पे मतलब बात करें वो हीट की, ऊष्मा की, ठीक है। तो रिलीज ऑफ हीट होता है आपका एक्जोथर्मिक, और गेन ऑफ हीट होता है या फिर गेन ऑफ एनर्जी वो होता है आपका एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक की बात करें तो वो होता है आपका रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा वो आपका NaCl, सोडियम Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, तो NaCl यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम टू द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का है। तो ऑप्शन आपके पास मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो ऑप्शन नंबर फोर वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के बारे में मैं बता चुका हूँ, एक्जोथर्मिक वो जिसमें हीट बाहर निकले और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो अंदर आए वो रिएक्शन होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक की बात की तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑरे ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो आयसक है वो ऑप्शन है आपके पास कच्चा सीसा, क्रायोलाइट, सिनाबर या फिर सेंधा नमक। तो एल्यूमिनियम का जो आयसक है वो है क्रायोलाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास मिथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन आइसोसाइनेट या फिर पोटेशियम आइसोसाइनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल भी आप याद रख सकते हो, जहाँ पे मिथाइल का नाम आ जाए, भोपाल गैस त्रासदी का अगर नाम आए तो वहाँ पे मिथाइल गैस से रिलेटेड ही आपका ऑप्शन जो होगा राइट होगा, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के अंदर, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन एंड मेजरली कॉजेज विच कैंसर। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं जो सन की तरफ से आती हैं उससे कौन सी बीमारी होती है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा वो होता है आपका स्किन कैंसर, ठीक है। लंग्स, लीवर, माउथ, स्किन, तो चार तरह के कैंसर के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो वो होता है आपका स्किन कैंसर, ठीक है। ये सीधे सीधे तौर पे स्किन के ऊपर प्रभाव डालती है, कौन सी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसके द्वारा, ओजोन मतलब O3 के द्वारा, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपकी स्किन पे कि व्हाट इज नेचर ऑफ pH ऑफ मिल्क। जो मिल्क का जो pH है उसका नेचर कैसा होगा, या फिर सीधे तौर पे बात करें तो मिल्क है वो कैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, हाईली एसिडिक या फिर हाईली बेसिक, ठीक है। तो जो मिल्क का जो pH वैल्यू होती है 6.5। 7 पे मैंने बताया था कि न्यूट्रल होता है, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। तो ये 0.5 कम है तो मतलब हल्का सा ये एसिडिक होता है, तो जो मिल्क है वो स्लाइटली एसिडिक होता है आपका नेचर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। जो निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या फिर जो इमल्शन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास चॉकलेट दूध, बटर मक्खन, व्हिप्ड क्रीम या फेंटी हुई मलाई या फिर कर्ड, ठीक है। तो बाकी सभी हैं वो आपके हैं इमल्शन के एक एग्जाम्पल, लेकिन कर्ड है वो इमल्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। वो जमाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा जमता वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कर्ड है वो, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस और नो।
देखो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी ही रहेगी, मैं आपको पहले बता चुका था। तो अगला जो क्वेश्चन आपका क्योटो प्रोटोकॉल पे ही आ गया है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करने को, तो फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट विच कंट्री, जो पहली जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास USA, जर्मनी, जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी जापान के अंदर, और कब हुई थी ये जो प्रोटोकॉल आया था, कब आया था 2005 में। किस लिए आया था? ग्रीन हाउस गैसेज के इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, ओके ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इन विच इंडस्ट्री पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज कमर्शियली, जो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग है व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग या फिर लेदर इंडस्ट्रीज। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो यूज किया जाता है वो पटाखे बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पटाखों के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए एलोट्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूपी का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन एंड स्टील। तो जो डायमंड और जो ग्रेफाइट है वो कार्बन एलोट्रॉप्स हैं। ओके, ओजोन वो ऑक्सीजन एलोट्रॉप है, तो एक सिर्फ बच का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टील, जो कि आपका प्योर है। ठीक है, वो किसी का भी एलोट्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री आर्स आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली, निम्नलिखित में से कौन से तीन आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तो वो होते हैं रिड्यूस, या तो उनका यूज कम करें, या फिर उनको दोबारा यूज में लाएं, या फिर उनको रिसाइकल करके मतलब दोबारा से उनको चक्रण में लाया जाए। तो ये तीन आर हैं, रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका वो राइट आंसर होगा, वो क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे क्या है पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा। ठीक है, 44th जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा उसका आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर थर्ड। वॉशिंग सोडा होता है वो तो आपका सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो आपका होता है वो तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ब्लीचिंग जो पाउडर है वो आपका होगा CaOCl2 का कॉमन नेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, आवर्ती सारणी में जो पीरियोडिक जो टेबल है, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया कि एक बार इसको ध्यान से देख लें। तो पीरियोडिक टेबल में सामान्य तत्वों के समूह की सामान्यता विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल, बाहरतम जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन वो इक्वल हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुल प्रोटोनों की संख्या, या फिर एटॉमिक वेट परमाणु भार। तो जो उनको रखा गया पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप्स में रखा गया है, सेम ग्रुप उन्हीं का रखा गया जिनके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा वो है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय निकल, निकल से होने वाला रोग कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास इटाइटाई, तो आपका यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये किससे हो रहा था, क्रोमियम से। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्रोमियम से ये हो रहा था। ठीक है, तो इटाइटाई वो आपका यहाँ पे गलत हो गया है। तो निकल से होने वाला रोग है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा शोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करके हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच कंपोनेंट इन टबैको मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। तो जो टबैको जो लीव्स होती हैं, जो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, उनके अंदर निकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज एन एक्चोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्चोथर्मिक रिएक्शन का एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका मैं आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, इसका आंसर मुझे आपको खुद लाइव चैट में मैसेज करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार कर चुके हैं। क्वेश्चन को तो हम दूसरी ही बार कर रहे हैं सेम क्वेश्चन को, लेकिन एक्चोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे हो, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि जो राइट आंसर है वो इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रास अलॉय, जो ब्रास अलॉय है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ब्रास बनता है आपका कॉपर और जिंक से मिलके। ठीक है, तांबा और जस्त क्या बनाएंगे, पीतल की मिश्र धातु को। ठीक है, तो कॉपर एंड जिंक है वो आपका ब्रास अलॉय है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई है तो याद रखना बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट है खाली, तो वो है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑरे ऑफ आयरन, तो इनमें से कौन सा एक लोहे का आयशक है? तो ऑप्शन है डोलोमाइट, सेंधा नमक, लोह उल्का मतलब सिड्रेट, या फिर गैलेना मतलब साधारण कच्चा सीसा। ठीक है, तो आयरन का जो यहाँ पे आयशक है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, सिड्रेट मतलब लोह उल्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन, जो इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटालजेसिक या फिर एंटीबायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर एंटासिड, क्योंकि इनडाइजेशन की जब प्रॉब्लम फैलती तो जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पेट के अंदर तभी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है एंटासिड का। ओके, और जो एंटीसेप्टिक यूज की जाती है वो बीमारियों की ग्रोथ को रोकने के लिए की जाती है। ठीक है, ये की जाती है बीमारियों की ग्रोथ को रोकने के लिए। एनालजेसिक का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पेन, जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक का जो यूज किया जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चारों क्लियर हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पिटन इन टू सीड्स, निम्नलिखित में से किसी चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपके पास गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। ओके, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पोटेशियम, क्योंकि ये आपका नॉन मेटल है, बाकी सभी आपके क्या है मेटल्स, तो सिर्फ मेटल्स को ही हम चादर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल को हम उसमें नहीं बदल सकते। तो आपका आंसर रहेगा जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, मिनामाटा डिजीज इज ए नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पॉलिटेड विद डैश। ठीक है, जो मिनामाटा रोग है वो होता है मरकरी से ग्रसित मछलियों के सेवन से। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आपको आंसर पता लग गया है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, मरकरी से जो ग्रसित जो मछली होती है अगर उनका सेवन इंसान के द्वारा किया जाता है तो वो मिनामाटा रोग का शिकारी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। ठीक है, तो हम सेकंड को टिक करके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट कॉल्ड, ठोस अवस्था से सीधे गैस में आना, वो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम सब्लिमेशन। जैसे कि नेफ्थलीन बॉल है, जो कपूर की जो गोलियां होती हैं अगर आप उनको कुछ देर के लिए बाहर रखते हो तो वो सॉलिड से सीधा गैस में मतलब बिना लिक्विड में चेंज हुए वो आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगी, वो सीधा इवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को आप नाम दोगे सब्लिमेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए ब्रॉन्ज एलॉय, कांस्य की ब्रॉन्ज एलॉय की जो मेन कंपोनेंट मुख्य घटक हैं वो कौन से हैं? तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर एंड टीन से मिलके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट आर एग्जांपल ऑफ, तो ऑप्शन आपके पास एरोसोल, सॉलिड सोल फॉर्म या फिर जेल। तो जो एरोसोल है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एरोसोल क्या होता है, जो क्लाइड्स होते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड के हवा के अंदर, उन्हीं को हम नाम देते हैं एरोसोल का। ठीक है, तो जो फॉग है या फिर जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, सभी जैसे क्लाउड्स हैं वो वाटर वेपर्स हैं, लिक्विड हैं कहाँ में, हवा के अंदर। ठीक है, तो वो सभी क्या है, एरोसोल के एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, देन नेक्स्ट आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए क्विक लाइम, बुझे चुने का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? तो ऑप्शन आपके पास CA2O, CA2CO3, CaO2 या फिर CaO। तो बुझे चुने के रासायनिक सूत्र वो होता है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, CaO। ठीक है, CaO को ठीक करके हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, नॉट ए नहीं पूछा इसने, तो इनमें से मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हाइड्रोजन वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर फोर्थ को ही टिक करेंगे, हाइड्रोजन वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ को टिक करके हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन फिनॉल, हाइड्रोक्साइड, सल्फरिक एसिड एंड इथेनॉल। ठीक है, तो कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है फिनॉल को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आई थिंक ये सभी को आपको पता होगा, वो की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड डैश। ठीक है, तो इसने ऑप्शन दिए हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, सॉल्ट एंड आयरन। तो जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो एसिड हो सकते हैं या फिर बेसिस हो सकते हैं या फिर सॉल्ट्स। ठीक है, यही चीज़ इन्हीं के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपका वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सॉल्ट्स। नेक्स्ट आपका, विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम जो मिल्क है वो उसमें कौन सा बेस पाया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम की बात करें तो आपको आई थिंक यहाँ से सीधे तौर पे मिल भी गया होगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसको जब हम लिक्विड में मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में या फिर जब हम उसको पानी में मिलाएंगे, डिस्टिल्ड वाटर में मिलाएंगे, तो वो आपका बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशिया हो तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद फर्स्ट को टिक करके हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। हु डिस्कवर्ड सोडियम, सोडियम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपके पास हम्फ्री डेवी, विलियम हेनरी फॉक्स, जेजे थॉम्सन या फिर कॉल पेंच, ठीक है। तो सोडियम की जो खोज की थी वो की थी हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मिंग ऑन आयरन कॉल्ड, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था, तो वो यहाँ पे आपका आ गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रस्टिंग, जंग लगना, ठीक है। ये कम्बशन नहीं है, ये आपका होगा रस्टिंग। कई बार क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलते हैं वो कम्बशन का भी दे दिया जाता है, और कई बार यहाँ पे गलती कर देते हैं कम्बशन की, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन एन आंट स्टिंग, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इस बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये डिस्कस मैं आपके साथ नहीं करूँगा, इसका आंसर मुझे खुद लाइव चैट में आप आगे मुझे मैसेज करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ओके, दोनों के आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। विच बेस इज प्रेजेंट इन सॉप, जो साबुन है उसमें कौन सा अक्षारक पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो साबुन के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है साबुन के अंदर। ओके, देन अगला क्वेश्चन है आपका, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, सोडियम वाटर या फिर हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। जब भी मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगी, ठीक है। क्योंकि बेस प्लस मेटल, जब भी बेस के साथ मेटल को रिएक्ट किया जाए तो वहाँ से सॉल्ट या फिर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका बेस है, और मेटल के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होगी। तो सॉल्ट का यहाँ पे आपका कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस दिया है, तो हाइड्रोजन गैस आपका राइट आंसर होगा। ओके, देन अगला क्वेश्चन, विच बेस इज प्रेजेंट इन लिम वाटर, जो चूने के जो पानी है उसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने की बात हम कर रहे हैं तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसी के साथ आपका जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है वो आपका यहीं पे पूरा होता है। ओके, इससे पहले हम फिजिक्स और बायोलॉजी को पूरा कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी को पूरा कर चुके हैं, तो जनरल साइंस का जो आपका सिलेबस था क्वेश्चन बैंक वो आपका पूरा हो गया है यहाँ पे, और इंडियन पॉलिटी भी आपकी पूरी हो गई है, मैथ के भी 7-8 टॉपिक आपके पूरे हो चुके हैं, लगभग आधा सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। क्लासेस के रिगार्डिंग अपने फीडबैक आप जरूर देखे चाहें। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी लंबी जरूर चली, जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिली उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास आपके यहीं पे खत्म होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, योर वेलवी सर, गुड लक, सक्सेस पॉइंट।